दोस्तों दिल थाम के बैठिए, मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं तीन शब्द, छुट्टी, घूमना और पैसे। दिल खुश हो गया ना, ये शब्द हैं ही ऐसे। आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं तीन शब्दों से मिलकर बनने वाले एक मजेदार अलाउंस, लीव ट्रेवल अलाउंस की बात करने वाले हैं। इसके बारे में सारी चीजें हम समझने वाले हैं। और आपको छुट्टी लेनी चाहिए और घूमना चाहिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा हमारी गवर्नमेंट बोल रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है। तो आपको लीव ट्रेवल अलाउंस पर कितना और कैसे एग्जम्पशन मिलेगा अपने इनकम टैक्स पे, ये भी आज के इस एपिसोड में कवर करेंगे। और मान लीजिए अगर आपको लीव ट्रेवल अलाउंस नहीं भी मिलता है तो भी इस एपिसोड को ध्यान से देखिए। क्यों? क्योंकि नंबर वन, हो सकता है आपको फ्यूचर में मिलने लगे। नंबर सेकंड, अगर आप इस वीडियो की सारी इंफॉर्मेशन जान लेंगे तो हो सकता है अगले इंक्रीमेंट के दौरान आप अपने एम्प्लॉयर से बात करके अपनी सैलरी में LTA का कंपोनेंट ऐड करवा सकते हैं। और तीसरा, इस वीडियो के एंड में जाते जाते मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि कैसे कुछ एम्प्लॉयज सिस्टम को चीट करके LTA का नाजायज फायदा उठा रहे हैं बिना ट्रेवल किए हुए भी। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन और आप क्या देख रहे हैं, जी हाँ, लेबर लॉ एडवाइजर। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं लीव ट्रेवल अलाउंस की। ये हमारा लेबर लॉ क्रैश कोर्स सीरीज का एक और एपिसोड है। और इससे पहले हम इस सीरीज में लगभग एक डजन एपिसोड बना चुके हैं, वो वाली प्लेलिस्ट मैं आई बटन पर लिंक कर रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के इस एपिसोड में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम कवर करने वाले हैं LTA की डेफिनेशन, उसके ऊपर मिलने वाले इनकम टैक्स का एग्जम्पशन, कैसे LTA को आपको क्लेम करना है, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और इससे जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आइए शुरू करते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, जिसको ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें सर्च कीजिए लेबर लॉ एडवाइजर और ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। जैसा क्लियर है, LTA बना है लीव ट्रेवल और अलाउंसेस से। तो ये LTA एक तरह का अलाउंस है जो एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है एम्प्लॉय को ट्रेवलिंग में होने वाले एक्सपेंसेस का कवरेज देने के लिए। इसमें एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ट्रेवलिंग ऑन लीव लिखा है, इसे हम बाद में समझेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। LTA जो अलाउंस है उसमें इनकम टैक्स का आपको एग्जम्पशन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स के सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत LTA जो है वो इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट है। इसमें आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे जो हम आगे डॉक्यूमेंट में आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं तो जो LTA एम्प्लॉय रिसीव करता है वो नेट इनकम का हिस्सा नहीं होगा, और अगर वो इनकम का हिस्सा नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं कंडीशन फॉर क्लेमिंग LTA की। घूमना तो पड़ेगा, जी हाँ। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन है कि एक्चुअली आपको ट्रेवल करना है। अगर आप घूम नहीं रहे हैं तो फिर आपको LTA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। केवल डोमेस्टिक ट्रेवल कवर्ड है, आप दुबई घूमना चाहते हैं, थाईलैंड घूमना चाहते हैं, तो उसकी जो भी ट्रिप का एक्सपेंसेस है वो LTA में आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। इनक्रेडिबल इंडिया, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, भारत में घूमिए, भारत की जगहों को देखिए, तो आपको LTA का बेनिफिट मिल पाएगा। एग्जम्पशन अवेलेबल ना सिर्फ एम्प्लॉय के लिए जबकि फैमिली के लिए भी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके ट्रेवल का पैसा मिलेगा, आपके साथ जो आपके परिवार हैं उनके ट्रेवल का भी पैसा मिलेगा। अब परिवार में कौन कौन आ जाते हैं, क्या आपके दोस्त आ जाते हैं, क्योंकि कई बार हम बोलते हैं हमारे फ्रेंड ही हमारी फैमिली है, नहीं, परिवार में क्या क्या आ जाते हैं, स्पाउस यानी वाइफ या हस्बैंड मैक्सिमम वन, उसके बाद चिल्ड्रन अप टू टू, हम दो, हमारे दो से ज्यादा चिल्ड्रन होंगे तो उनका जो ट्रेवल का पैसा होगा वो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। होनली और मेनली डिपेंडेंट पेरेंट्स जो अपने बच्चों के साथ रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली है या उनका खर्चा उनके बच्चे उठाते हैं, उनका भी ट्रेवल का एग्जम्पशन आपको मिलेगा। और डिपेंडेंट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके सिबलिंग है, भाई बहनों को भी ले जाइए साथ में, उनके ट्रेवल का भी आपको एग्जम्पशन डेफिनेटली मिल जाएगा। अब बात करते हैं एलिजिबल LTA एग्जम्पशन की। क्या हम कितना भी पैसा खर्च करें अपने ट्रेवल पे, कहीं भी घूमे, 5-star होटल में रुके, उन सबका एग्जम्पशन मिलेगा? नहीं। समझते हैं किसका एग्जम्पशन मिलेगा। जो एग्जम्पशन आपको मिलेगा वो केवल आपकी एक्चुअल ट्रेवल कॉस्ट पर मिलेगा। यहां ध्यान दीजिए, मैं शब्द यूज कर रहा हूं ट्रेवल कॉस्ट, यानी आपका जो भी एयर, रेल या बस का फेयर है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ऑब्वियसली बिल सेफ रखने हैं या भी टिकट सेफ रखने हैं।
कोई भी एक्सपेंसेस जैसे लोकल कन्वेंस, साइट सीइंग, होटल या फूड इसके अंदर शामिल नहीं होगा। द एग्जम्पशन इज ऑल्सो लिमिटेड टू LTA प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें दो एग्जाम्पल लेते हैं। केस वन, LTA बाय एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर आपको LTA दे रहा है साल भर में वो है 40,000। आपने जो ट्रेवल किया उसका ट्रेवल एक्सपेंसेस, जो एलिजिबल ट्रेवल एक्सपेंसेस था वो था 30,000। तो अब आपको 30,000 का ही एग्जम्पशन मिलेगा, क्योंकि दोनों में से जो कम है, जैसे एम्प्लॉयर ने आपको भले ही 40,000 दिया हो लेकिन आपने तो 30,000 ही क्लेम किया है, 30,000 ही घूमने फिरने में खर्च किए हैं, तो आपको 30,000 का एग्जम्पशन ही मिलेगा। जो बैलेंस 10,000 है वो आपकी टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाएगा और उस पर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, LTA बाय एम्प्लॉयर है 40,000, साल में 40,000 रुपए दे रहा है। आपने जो एक्सपेंस कर दिए वो 50,000 के कर दिए, लेकिन इस केस में भी आपको जो एग्जम्पशन मिलेगा वो 40,000 का ही मिलेगा, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर आपको 40,000 रुपए ही दे रहा है, क्योंकि बेनिफिट जो है वो मैक्सिमम जो भी LTA आपके एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है उस तक ही लिमिटेड है। तो आपको अपने LTA को ऑप्टिमाइज करना चाहिए, ये कंडीशन अच्छी है। आपको अपना LTA कुछ इस तरह से अपने स्ट्रक्चर में डिफाइन करवाना चाहिए ताकि किसी भी केस में ऐसी सिचुएशन अराइज ना हो जब आपका एक्सपेंसेस ज्यादा हो और आपको मिलने वाला LTA कम हो। अब बात करते हैं कि क्या हम बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर सकते हैं। भाई हम चाहें तो महंगी महंगी फ्लाइट ले लें 50,000-1,00,000 रुपए की और हमारा पूरा LTA उसका एग्जम्पशन मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं तो इकोनॉमी फेयर ऑफ एयर इंडिया जितना है उससे ज्यादा का आप एग्जम्पशन नहीं ले सकते। एयर इंडिया को इस तरह से हमारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। ऑल्सो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं घूमने के लिए और आप ये बोले कि मैं दिल्ली से पहले कोलकाता फिर चेन्नई होते हुए मुंबई चला जाऊं, तो ऐसा भी संभव नहीं है। जो भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट होगा उसका ही आपको एग्जम्पशन मिलेगा। अब जब हम बात ट्रेन की करें तो ट्रेन में फर्स्ट क्लास फेयर मिल जाएगा और उसमें भी शॉर्टेस्ट रूट की बात तक होगी। तीसरा है बाय पब्लिक बस, तो इसमें जो भी डीलक्स फेयर तक आप एग्जम्प्ट करवा सकते हो। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों ही केसेस में ऐसा नहीं है कि अगर आपने स्लीपर में ट्रेवल किया तो भी आप फर्स्ट क्लास का फेयर एग्जम्पशन ले सकते हो। नहीं, जहां भी आपने एक्चुअल ट्रेवल किया है उसके बिल के अनुसार जितना आपका अमाउंट एक्सपेंस हुआ है उतना ही आप मैक्सिमम एक्सपेंस कर सकते हो और उसमें जो लिमिट दी गई है वो इकोनॉमी फेयर की, फर्स्ट क्लास की और डीलक्स फेयर की लिमिट दी गई है। क्या आप मल्टी डेस्टिनेशन ट्रेवल कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप एक जगह घूम के फिर दूसरी जगह जाएं तो दोनों जो आपके ट्रेवल हैं उसको आप क्लेम कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। जो भी आपका डेस्टिनेशन है और जो ओरिजिन है उनका जो भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है वहां की जो फ्लाइट की रेट है या ट्रेन की रेट है या बस की रेट है वो आप क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लॉक ऑफ ईयर की। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन LTA एग्जम्पशन बी क्लेम्ड ऑन एवरी वेकेशन? आप कितनी बार भी घूमने जाएं, साल में 4 बार घूमने जाएं, तो क्या आप LTA का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं? नहीं। कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं। जो LTA का आपका एग्जम्पशन है वो केवल 2 जर्नीज के लिए अवेलेबल होगा आपको, वो भी 2 जर्नी अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर, यानी 4 साल में अगर 2 बार आप घूमने जाते हैं तो उसका आपको LTA का एग्जम्पशन मिलेगा। जो करंट ब्लॉक चल रहा है वो जनवरी 18 से शुरू हुआ था और दिसंबर तक है। इससे पिछला जो ब्लॉक था वो 2014 से लेकर 2017 था, यानी अगर आप जनवरी 18 से दिसंबर 21 के बीच में एटलीस्ट 2 वेकेशन करते हैं उन दोनों वेकेशन को आप LTA में क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने 2014 से 17 तक 2 वेकेशन नहीं की है या फिर आपने इससे पहले लेबर लॉ एडवाइजर का एपिसोड नहीं देखा था और आपको इस एग्जम्पशन की जानकारी नहीं थी तो भी दोस्तों घबराने की बात नहीं है। अगर आपने 2018 में अगर आपने कोई ट्रेवल किया है तो उसका भी क्लेम कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने अपना LTA क्लेम नहीं किया है तो एक या दो, आपने दोनों ही क्लेम नहीं किए हैं किसी एक ब्लॉक ईयर में, तो आप उसमें से 1 LTA को आगे कैरी ओवर कर सकते हो। लेकिन इसमें एक डेफिनेशन में एक पंगा है, ये जो कैरी ओवर आपकी LTA है ये केवल फर्स्ट ईयर ऑफ ब्लॉक में आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो करंट ब्लॉक चल रहा है तो जनवरी 18 से लेकर दिसंबर 18 तक जो आपने ट्रेवल किया है वो आप क्लेम कर सकते हो। अब वो तो समय चला गया, तो अगले ब्लॉक के लिए आप ध्यान रखिएगा, यानी किसी भी एक ब्लॉक में आप मैक्सिमम 3 वेकेशंस ले सकते हो। आइए इसको भी अपन एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देखिए कि एक व्यक्ति ने अप्रैल 2015 में ट्रेवल किया और उसका एग्जम्पशन उसने अप्रैल 2015 में ले लिया, तो जो 2014 से लेकर 17 वाला ब्लॉक था उसमें एग्जम्पशन उसने ले लिया।
अब उसने अगला ट्रेवल किया जून 2018 में। अब चूंकि उससे पिछले ब्लॉक में केवल एक ही ट्रेवल किया था तो एक जो उसका एलटीए था वो आगे कैरी ओवर हो गया, तो इसमें ऑब्वियसली वो बेनिफिट ले सकता है जो कंसीडर किया जाएगा कैरीड ओवर फ्रॉम प्रीवियस ब्लॉक। अब उसने जो अगला हॉलीडे लिया है वो मार्च 20 में लिया है और अगला हॉलीडे लिया है जो जनवरी 22 में लिया है, तो मार्च 20 वाला हॉलीडे एग्जम्पशन होगा अगले इस वाले करंट ब्लॉक में, लेकिन जो जनवरी 2022 वाला हॉलीडे है वो अगले ब्लॉक के अंदर चला जाएगा या इस ब्लॉक का कैरी ओवर भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं एलटीए भाई क्लेम कैसे करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले ध्यान रखने की बात है, एलटीए बेनिफिट केवल आपका एम्प्लॉयर दे सकता है, आप अपने आईटीआर रिटर्न में एलटीए का क्लेम नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने ट्रेवल का प्रूफ सबमिट करना होगा, जैसे बोर्डिंग पास, ट्रेन टिकट और इनवॉइस बाय ट्रेवल एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो बिल्कुल स्ट्रिक्टली वर्डिंग पे जाते हैं एलटीए की डेफिनेशन पे, मैंने कहा था कि मैं इसको बाद में आपको बताऊंगा, एलटीए की डेफिनेशन ये कहती है कि लीव के ऊपर जो ट्रेवल कर रहे हैं उसका आपको अलाउंसेस मिलेगा, तो कुछ जो बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट है ऐसी वर्डिंग पे वो बोलते हैं कि भाई आप छुट्टी ले और उसके बाद ट्रेवल करो तो हम आपको एलटीए का क्लेम देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। इसलिए वो ऐसे एलटीए क्लेम रिजेक्ट कर सकते हैं जो ऑफिशियल हॉलीडेज या वीकेंड पर एम्प्लॉय ले रहा है, लेकिन ऐसे बहुत गिने चुने ही ऑर्गेनाइजेशन है। अब थोड़ा और ज्ञान, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताता हूं जो काफी सारे एम्प्लॉयज इस सिस्टम को चीट करने के लिए यूज करते हैं, तो सबसे पहले अगर आपने घूमा नहीं है तो फिर आपको एलटीए भले ही आपकी सैलरी में मिल रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा, तो सबसे पहले घूमना तो बहुत जरूरी है। इसके अलावा एलटीए जो है वो रीइंबर्समेंट का हिस्सा है, मैं ऐसा इसे किस लिए बता रहा हूँ वो भी आपको समझाता हूँ, इसलिए पार्ट ऑफ वेजेस नहीं गिना जाना चाहिए। अगर कुछ ऐसे ऑफिशियल कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आ जाए जो इसमें अड़ जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बाय स्ट्रिक्ट लॉ की डेफिनेशन से ये पार्ट ऑफ वेजेस नहीं गिना जाना चाहिए। अब चूंकि ये पार्ट ऑफ वेजेस नहीं है तो इस पर पीएफ और ईएसआई भी एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। अब एम्प्लॉय सिस्टम को चीट कैसे करते हैं, तो कई सारे एम्प्लॉयज क्या करते हैं, अब सबके पास फोटोशॉप अवेलेबल है, फोटो एडिटिंग टूल अवेलेबल हैं, तो दो तीन जुगाड़ कर लेते हैं एम्प्लॉय, या तो फेक टिकट बना देते हैं, टिकट कोई उठाया उसमें नाम चेंज कर दिया तो फेक टिकट बन गया, अब उसको आप वेरीफाई तो कर नहीं सकते हो, एम्प्लॉयर तो स्पेसिफिकली नहीं वेरीफाई कर सकता है, अगर एम्प्लॉयर खुद एक ट्रैवल एजेंट है तो मे बी वो वेरीफाई कर ले, अदरवाइज वो वेरीफाई नहीं कर पाएगा। इसके अलावा एम्प्लॉय क्या करते हैं कि एक बार टिकट बुक करवाते हैं, रिफंडेबल टिकट बुक कराते हैं और उसके बाद वो टिकट कैंसिल करवा देते हैं और वो जो ओरिजिनल टिकट है वो सबमिट कर देते हैं। ऐसी ऐसी कुछ ट्रिक्स एम्प्लॉयज यूज करते हैं सिस्टम को चीट करने के लिए, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि कभी भी अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको पकड़ा तो फिर आपको ना सिर्फ पुराना एलटीए पे अपना पैसा देना पड़ेगा जबकि ये विलफुल डिफॉल्ट है आपके इनकम टैक्स का, तो इसमें आपको जेल भी हो सकती है। तो क्या ये आपके लिए गुड इनफ मोटिवेशन है ट्रैवल करने के लिए? अब आप कहाँ घूमना चाहते हैं इंडिया में, नीचे हमको कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों ये एपिसोड था हमारा लेबर लॉ क्रैश कोर्स सीरीज का एक और एपिसोड, इसमें ऑलरेडी हम लोग 10 से 12 एपिसोड बना चुके हैं जिसका लिंक हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं और आई बटन में दे रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट जैसा मैंने आपको पहले बताया था हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा, आप डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम ऐप और सर्च कीजिए लेबर लॉ एडवाइजर, जिसमें ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा मेंबर जुड़ चुके हैं। लेबर लॉ एडवाइजर चैनल का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद जय भारत। जाते जाते आज के सवाल का जवाब दे दीजिए, जीतने वाले किसी एक लकी विनर को दिया जाएगा 51 रुपए का यूपीआई कैश, जिसका रिजल्ट हम ब्लॉग पे पब्लिश करते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप हमसे लाइव बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए, हर संडे वहां पर लाइव सेशन कंडक्ट होता है। और अगर आप वीडियो आने से पहले ही लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड अपडेट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके लेबर लॉ एडवाइजर सर्च करें और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और लेबर लॉ एडवाइजर के सभी सब्सक्राइबर्स जिन्होंने ज्वाइन बटन पर क्लिक करके एक मेंबरशिप ली है, उन्हें हम बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों की वजह से हमें सपोर्ट मिलता है नए वीडियोज क्रिएट करने का।